नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। जनपद ललितपुर के मडावरा थाना क्षेत्र के गांव साडूमल में एक महिला और बच्चा आग में झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनपद ललितपुर के थाना मडावरा के अंतर्गत साडूमल में एक मासूम सहित महिला ने अग्नि स्नान किया। बता दें कि रविवार सुबह मडावरा थाना अंतर्गत ग्राम साडूमल में एक महिला द्वारा अपने दुधमुहे बच्चे के साथ अग्नि स्नान कर लिया। इस हृदय विदारक घटना का कारण फिलहाल अज्ञात एवं संदेहास्पद भी है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि देवरानी जेठानी के बीच कहासुनी हुई थी। घटना के बारे में बताया गया कि महिला का पति मजदूरी के लिए मडावरा गया था, साथ ही पुरुष सदस्य भी घर पर नहीं थे। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वासियों द्वारा महिला के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई और एम्बुलेंस द्वारा दोनों घायलों को उपचार हेतु मडावरा अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल ललितपुर और वहां से झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। हम लोग घर पे नहीं थे, हमारी जी भतीजी भाई है, नरेश नाम है, और इसने आग लगा ली। किन कारणों से अभी मालूम नहीं, अभी दवा में भी दी है, हम झांसी जा रहे हैं, रेफर कर दिया है। पति का क्या नाम? रामानंद। और जो पीड़िता है, घायल है, उनका? गणेश। कहाँ से? साडूमल। अच्छा, और बच्चे? बच्चा है। हाँ, एक बच्चा है। एक बच्चा है, एक साल का जी। उसे भी तो आग लगाई? हाँ, साथ में था तो बस। अब किन कारणों से जी मालूम नहीं है क्या है, कैसी लग। और पति कहाँ है इनके? पति नहीं थे, काम पे गए थे जी। कहाँ जी मजूरिया जी ठा है। मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी व एसएसपी द्वारा जनपद के संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान क्षेत्र वासियों से शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की गई। मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी शैलजा कुमारी जे और एसएसपी अभिषेक यादव ने अयोध्या फैसला आने के बाद नगर में फ्लैग मार्च निकाला, जहां सभी नगर वासियों से शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जैसे क्षेत्र के लोगों ने फैसले से पहले शांति व्यवस्था बनाए रखी है, वैसे ही अब फैसला आने के बाद भी बनाए रखे। बता दें कि अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया, जिसमें राम मंदिर निर्माण की बात कही गई तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अलग से दिए जाने की बात कही गई, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण पर अब मोहर लग चुकी है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना ना हो सके, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े चाक चौबंद रखे तथा सभी से शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की। साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। इसी के तहत नगर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया तथा यह फ्लैग मार्च शिव चौक, मीनाक्षी चौक आदि चौराहों से निकाला गया। जैसे कि आपको पता है, कल जजमेंट आया है, उसको लेकर के हम लोग हाईली सेंसिटिव है इस सिचुएशन को लेकर के, और अभी भी पीस कमेटी मेंबर्स को भी कई जगह पे मिल के आ रहे हैं। रूट मार्च, फूड पेट्रोलिंग और रात को जो पेट्रोलिंग होता है, बीट पुलिस द्वारा जो चेकिंग है, सोशल मीडिया पे जो चेकिंग है, सब हम लोग लगातार जारी रखे हैं, ताकि कोई भी चीज़ जो सामान्य स्थिति है जिले का आज की तारीख में, तो उसको अफेक्ट ना करे। तो कई चीज़ों में हम लोगों के नज़र हैं, तो डेफिनेटली पब्लिक को ये आश्वासन हम दे सकते हैं कि बहुत शांति है जिले में और अपना नॉर्मल लाइफ के साथ वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी व्यवस्था कब तक रहेगी? ये लगातार रहेगी हम लोगों का, एटलीस्ट अगले महीने तक हम लोग इसको लगातार रखेंगे। तो इतना अलर्टनेस रहेगा जिले में, जब तक हम लोगों को ये लगेगा कि शांति है, बिल्कुल एक भी चीज़ अफेक्ट नहीं करेगा पब्लिक लाइफ एंड प्रॉपर्टी को, तब तक हम लोग रखेंगे। मैडम, लगातार लोगों से आप मिलने की तरह रेस्पॉन्स? नहीं, बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है जनपद मुजफ्फरनगर के लोगों से। खुद आकर के वॉलंटियर कर रहे हैं, खुद समझा रहे हैं और लोगों को, बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है। एक तो नेशनल इंटीग्रेशन का, पेट्रियोटिज्म का, ये बिल्कुल अलग तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के, जनपद वासी यहाँ पे। देखिए, आज जनपद में सिटी क्षेत्र में कोतवाली क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया हमारे द्वारा, डीएम साहब द्वारा, और जनपदीय पुलिस फोर्स और जो पैरामिलिट्री फोर्स बाहर से आया, सभी लोगों ने मिलकर फ्लैग मार्च किया है। और इसी प्रकार आज जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च प्लान किया गया है, लगातार आज भी, कल भी और इसके बाद लगातार प्रतिदिन फ्लैग मार्च, फुट पेट्रोलिंग और जो सेक्टर जोनल स्कीम जनपद में लागू है वो लगातार इसी प्रकार से चालू रहेगी। सर, क्या किस तरीके की सूचना आपको, किस तरीके की घटना अभी तक नजर आई है? जनपद मुजफ्फरनगर में किसी प्रकार से कोई घटना या कोई सूचना इस तरह से प्राप्त नहीं हुई है। संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण शांति व्यवस्था जनपद में कायम है। सभी मार्केट्स, सभी जनजीवन
जिस प्रकार से चलता रहा है उसी प्रकार से सामान्य रूप से चल रहा है। कहीं किसी प्रकार से जनपद मुजफ्फरनगर में अभी कोई समस्या परिलक्षित नहीं हुई है। पब्लिक ने लगातार और हर उस पर हमारा सपोर्ट किया है। संभ्रांत व्यक्तियों ने पुलिस वालों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर ड्यूटियाँ की हैं। लगातार अभी भी वो चीज़ें जारी हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इसी तरह सभी लोग मिलकर जनपद मुजफ्फरनगर में शांति व्यवस्था को लगातार कायम रखें। सर, सोशल मीडिया पे किस तरह की कोई प्रचार पे किस पे मुकदमा हो? पूरे दिन कल लगातार सोशल मीडिया पे जनपद मुजफ्फरनगर में पैनी नज़र रखी गई है। उसके बावजूद भी और अभी तक भी लगातार कहीं से कोई समस्या नहीं आई है। कोई ऐसा प्रकरण सामने नहीं आया है मुजफ्फरनगर में जिसमें सोशल मीडिया पे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करी गई हो। जैसा मैंने कहा कि लगातार जो मीटिंग्स हुई हैं, जो पब्लिक के साथ मैसेजेस हुए हैं, जो उनसे वार्तालाप हुई है, संवाद हुआ है, सोशल मीडिया पे जो विभिन्न प्रकार से अपील करी गई है मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन द्वारा, उसके चलते बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों ने सपोर्ट किया है और जनपद मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया या उसके अलावा भी अन्य किसी प्रकार से अभी तक कोई समस्या प्राप्त नहीं हुई। कोई अपील सर किसी तरह की जनता से? देखिए, जनपद के सभी लोगों से हमारी लगातार वही अपील है। फिर से मैं वही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है, उसी तरीके से चलता रहेगा। आप निश्चिंत होकर करें, पुलिस प्रशासन यहाँ लगातार मौजूद है आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे फैसले से संबंधित किसी भी टिप्पणी से बिल्कुल बचें, उसमें आपके विरुद्ध कठोर कानूनों में कार्रवाई होगी। लगातार हम पूर्व में भी अपील कर चुके हैं कि सोशल मीडिया पे किसी प्रकार की टिप्पणी करने से बचें। तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आपको जेल भेजा जाएगा और उसके बाद उसमें NSA की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे किसी प्रकार की टिप्पणी इस प्रकरण से करने से बिल्कुल बचें। मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में ट्रिप जैप टूर एंड ट्रेवल्स द्वारा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के महादेव मंदिर स्थित हॉल में ट्रिप जैप टूर्स एंड ट्रेवल्स गाजियाबाद के तत्वाधान में पुरस्कार वितरण एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 20 अक्टूबर को आयोजित ट्रिप जैप नॉलेज हंट प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रथम पुरस्कार गांधी इंटर कॉलेज चरथावल के छात्र सूरज, द्वितीय पुरस्कार DG इंटर कॉलेज बिरालसी की छात्रा तनुप्रिया पुंडीर एवं तृतीय पुरस्कार जैहिन इंटर कॉलेज की छात्रा इफ़त जहां को दिया गया। कार्यक्रम में 15 विभिन्न स्कूलों के अन्य 60 छात्रों को भी सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर पंचायत चरथावल के अध्यक्ष सत्येंद्र त्यागी ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापार मंडल अध्यक्ष अनुज गर्ग ने की। कार्यक्रम में सत्य प्रकाश त्यागी, कुशल पाल त्यागी, राजेंद्र शर्मा, रामानंद त्यागी आदि वक्ताओं ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। साथ ही इस मौके पर पारखी, इल्मा, खुशी, तन्वी, तरुण, अर्पित, सोनाली, शुभ्रा आदि छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पॉलिथिन से होने वाले नुकसान के प्रति जनता को सजग किया। कार्यक्रम में सचिन, नितिन, वितिन, संदीप, शिवांग, संजीव आदि कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के आयोजक शिवांश त्यागी ने सभी कार्यकर्ताओं, मीडिया कर्मियों एवं अतिथियों का विशेष आभार व्यक्त किया। इस तरह की जो आयोजन है, जैसा ये शिवांश ने बताया, ये एक संस्था है जो GK हंट के नाम से पूरे क्षेत्र में प्रोग्राम करा रही है। देखिएगा, GK एक ऐसी चीज़ है, आप कोई भी कंपटीशन लें, भले ही वो IAS का कंपटीशन हो या एक फोर्थ क्लास का कंपटीशन हो, GK बेस है। तो ये संस्था जो काम कर रही है, बेस को उबारने का जो काम कर रही है, ये बहुत सराहनीय काम है। उसी संस्था का आज ये प्रोग्राम था। यहाँ रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसमें श्वास में हम पूरी टीम को इनवाइट किया था और ये एक सामूहिक कार्य था जो शिवांश के नेतृत्व में यहाँ किया गया है। तो ये एक सराहनीय कार्य है। इस तरह के कार्यक्रम अगर भविष्य में भी होते रहेंगे तो इससे समाज को और छात्र छात्राओं को। आपका नाम? शिवांश त्यागी। अच्छा, बताइए आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? ये एक संस्था है हमारी, ट्रिप्जैप टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद की। ये जगह जगह पे जाके स्थान स्थान पे एक प्रतियोगिता आयोजित करा रही है GK, जिसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों का मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर जानना, परखना और फिर उसका विकास करना। इससे हमने अभी यहाँ पे एक पेपर कराया था 20 अक्टूबर को, जिसका आज परिणाम यहाँ पे घोषित किया जा रहा है। इसमें चरथावल ब्लॉक के 15 स्कूलों के लगभग 1500 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। ये आज बहुत अच्छा, मुझे बताते हैं खुशी हो रही है कि यहाँ ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनका बौद्धिक स्तर अबव एवरेज है। जो कक्षा 6 से 12 के
जो एक समय होता है बच्चे का वो बड़ा क्रूशियल होता है, जिसमें बच्चा अगर सही तरीके से ढलाई उसकी हो गई तो वो पार हो जाएगा। और इसी ये हमने लेवल रखा है कक्षा 6 से कक्षा 12 का इस पेपर, आज इसका रिजल्ट पेश किया। जनपद शामली के थाना भवन रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल पूरा मामला जनपद शामली के थाना भवन टाउन रेलवे स्टेशन का है, जहां आज सुबह सवेरे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची थाना भवन पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घर से महिला आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन आई हो और ट्रेन की चपेट में आने से उसके सिर पर गहरी चोट आई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें चले कि महिला की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला के हाथ पर मैम कला मेनपाल नाम लिखा हुआ है और महिला सर्दी के कपड़े भी पहने हुए है। शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है, अभी तक शव की कोई पहचान नहीं हुई है। बता दें कि राहगीरों ने मृतक महिला की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये सुबह के टाइम की बात है, हम उधर वो टहलने जा रहे थे तो वहाँ पे देखा गया, हमने पुलिस वाले भी खड़े थे 5 साल, तो वहाँ जाके देखा गया कोई मेरे हिसाब से 40-45 साल की उम्र की महिला होगी, वो जो ट्रेन के उससे कटके मर गई। वहाँ पे पूछताछ भी हुई, पुलिस वालों ने पूछा आसपास के लोगों से जो खड़े थे वहाँ, लेकिन उसका कोई वो नहीं हो पाया, पहचान नहीं हो पाई उसकी। यहाँ बैठा के वहाँ से उसे पुलिस वालों ने उठा के पोस्टमार्टम पे भेज दी। जानसठ कोतवाली क्षेत्र के पानीपत खटीमा राजमार्ग पर बाइक सवार दो लोगों को अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानसठ पानीपत खटीमा राजमार्ग पर मुझेड़ा के पास बिजनौर के लाडपुर थाना क्षेत्र किरतपुर निवासी संजीव पुत्र धर्मवीर व रविंद्र पुत्र बनारसी बाइक से रोहतक जा रहे थे। जैसे ही मीरापुर से आगे निकले, गांव मुझेड़ा के पास अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जिससे दो लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से CHC जानसठ में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के लक्सर में ईद मिलादुल नबी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। लक्सर के आसपास क्षेत्र में नगर व देहात तक पैगंबर मोहम्मद साहब के पैदाइश के मौके पर खड़ंजा कुतुबपुर तथा सुल्तानपुर आदमपुर आदि गांव में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं लक्सर पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद रही। शनिवार की रात को शहर तथा देहात क्षेत्र में बड़ी धूमधाम के साथ मस्जिदों में रौनक रही और लोगों ने पूरी रात बैठकर कलाम पाक को पढ़ा और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया और उनकी शान में कुरान पढ़कर सवाब पहुंचाया। इस मौके पर जहां पुरुषों ने कलाम पाक पढ़ा, वहीं महिलाओं और बच्चों ने भी घर में बैठकर कुरान को पढ़ा और फिर दुआओं के लिए हाथ उठाए। आपको बताते चले कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। आज के दिन ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, इसलिए आज का दिन 12 वफात का दिन माना जाता है और इसको बड़ी खूबसूरती के साथ मुस्लिम समाज में मनाया जाता है। इसकी एक अहम खासियत है कि इस मौके पर लोग अपने मकानों को भी सजाते हैं तथा खूबसूरत रंग बिरंगी झालरों से सजाया जाता है तथा देहात क्षेत्रों में कुछ जगहों पर पूरे शहर की मुख्य सड़कों पर जुलूस निकालकर मुस्लिम समाज के लोगों ने खुशी जाहिर की, जहां शहर के साथ साथ गांव में भी ईद मिलाद उल नबी बड़ी ही धूमधाम से जुलूस निकालते हुए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में उलमा के बहुत सारे कौल हैं, जिनमें से 12 रबीउल अव्वल का एक राहजे कौल है और हर आदमी अपनी मोहब्बत के एतबार से इस दिन में अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का। कुछ लोग जलसे जुलूस के साथ में इसको इजहार करते हैं, कुछ लोग पीरों पे जाकर इस मोहब्बत को इजहार करते हैं, बाकी हम जिस तरीके से इजहार करते हैं, हमारा मानना यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो सही तरीका है वो कुरान पाक की तिलावत या फिर अल्लाह के नाम से गरीब बच्चों को खाना तकसीम करना
या और बहुत सारे इस तरह के दीनी काम हैं जो हमें करने चाहिए। और जो लोग बेचारे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं अल्लाह के रसूल के साथ में, जो अपनी मोहब्बत जोड़ते हैं, वो उनका अपना मानना है। बाकी जो सही तरीका है वो ये है कि हम कुरान मुकद्दस की तिलावत करें और गरीब बच्चों को खाना खिलाएं, और जो बहुत सारे काम हैं इस तरह के वो हमें। जनपद ललितपुर के मडावरा में ईद मिलादुल नबी के मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने फातिहा पढ़कर देश में कौमी एकता का संदेश दिया। जनपद ललितपुर के तहसील मुख्यालय मडावरा में छोटे छोटे बच्चों ने कौमी एकता का संदेश दिया, जहां ईद मिलादुल नबी पर धूमधाम से जलसा निकाला। मजहब इस्लाम के रसूल पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश के मुबारक मौके पर मडावरा कस्बे में सुबह छोटे छोटे बच्चों द्वारा नाते रसूल और दीनी नारे लगाते हुए जलसा निकालकर खुशियां मनाई गई। इस दौरान बाबा मस्तान शाह की दरगाह पर पहुंचकर फातिहा पढ़कर देश में कौमी एकता और अमन चैन की दुआएं मांगी गई। हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश यानी जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। आज 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। वो दुनिया में जब तशरीफ़ लाए उससे पहले गुमराहियत मतलब जाहिलियत और कुफरियत बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। इस वजह से हमारे प्यारे आका मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दुनिया के इस्लाह के लिए, दीनी तालीम के लिए, यानी लोगों के जो बिगड़े माहौल थे उनको सुधारने के लिए एक पैगंबर इस्लाम बना करके भेजा, ताकि हम और आपको दीन की सही राह चलने पर मिले और दीन पर मान लो जो गुमराहियत है दीन के सही रास्ते पर चलने का एक मौका मिले और हम और आपकी आखरत अच्छी बने। और इससे मुसलमान भाइयों को नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुहम्मदिया को एक समान रहने की इस्लाह दी गई है। इसलिए ये हम और आप प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजलास निकालते हैं, ताकि हम और आप में एकता बनी रहे और हम सब मिलकर के इसी साल मतलब जिंदगी भर इसी इजलास को इसी तरीके से मनाते रहें, ताकि हम और आप में एकता बनी रहे। जश्ने ईद मिलादुल नबी एक ऐसा त्यौहार जो मुस्लिम भाई बहुत ही जोश और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, एक ऐसा त्यौहार। और इस त्यौहार की विशेषता क्या है वो सब हमारे साथ में उनसे जानेंगे। आज मडावरा में ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, मस्जिद के पास हम खड़े हैं, यहाँ से एक जुलूस अभी निकला है। और इस त्यौहार के दिन हिंदू और मुस्लिम सब मिल के मनाते हैं, हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा है। और एक कल एक फैसला आया था राम जन्मभूमि को, उसमें भी मुस्लिम भाई और हिंदू भाइयों ने मिल के उसका जश्न मनाया, और आज इस त्यौहार का जश्न भी मिल के मनाया जाएगा हमारे मडावरा में। और इस त्यौहार की क्या विशेषता है वो हम उनसे जानते हैं। ये हमारा ईद मिलादुन नबी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और यहाँ तक कि सभी कौमों को मनाना चाहिए, धर्म कोई बटा नहीं होता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले नफसी नफसी का आलम था और बहुत अत्याचार था। हमारे आका अल्लाह ताला ने नबी को पैदा किया दुनिया में, और इखलाक़ मोहब्बत से ये त्यौहार मनाया जाता है। और एक शेर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील भी सलामी दें दरबार को क्या कहिए, अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलमा किरदार को क्या कहिए।
शामली के थाना भवन नगर पंचायत में एचएक ब्यूरो शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें परिवारों के समझौते कराए गए। थाना भवन क्षेत्र अधिकारी के निर्देश अनुसार नगर पंचायत थाना भवन में प्रत्येक रविवार को एचएक ब्यूरो शिविर लगाया जाता है, जहां परिवारों में आपसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा हो जाता है और फिर बात बहुत आगे बढ़ जाती है। ऐसे परिवारों का एचएक ब्यूरो टीम थाना भवन अपने कुशल प्रयास से फैसला कराने का प्रयास करती है। टीम की कोशिश यही रहती है कि हर संभव प्रयास से बिछड़े परिवारों का फैसला हो जाए। आज भी थाना भवन एचएक ब्यूरो में 8 फाइलें आई थी, जिनमें टीम के सफल प्रयास से एक परिवार का फैसला कराया गया और 7 फाइल पर फाइनल सुनवाई चल रही है। जनपद सहारनपुर में अयोध्या फैसले का सभी धर्मों के लोगों ने स्वागत किया। जैसे ही अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनता के सामने आया तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। सहारनपुर की जनता ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश के लिए सर्वमान्य है। सहारनपुर में पहले भी माहौल शांत था और आगे भी सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वजन को देखते हुए लिया गया है। वे सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ये जो भी फैसला आया हम सबको मान्य है और दोनों पक्षों को मान्य है, और हमारी इस फैसले के बाद खास तौर से पूरे सहारनपुर की समाज से, जनता से इस बात की अपील है कि अमन और शांति, अमन चैन बना के रखें। हम सब लोगों का फ़र्ज है, ये शहर हमारा है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। आपस में कोई भी बात ऐसी ना हो जिसका संदेश कोई ख़राब जाए। ये बहुत बढ़िया फैसला हुआ जी, क्योंकि ये फैसला दोनों पक्षों में बेहतर हुआ। सबसे पहले हमारा हिंदुस्तान का भाईचारा वो कायम रहे, सबसे पहली बात यही है कि हमारे अंदर मोहब्बत प्यार कायम रहे। मस्जिद मंदिर जो है वो वहीं रहेंगे, हमें आपस में मिलजुल के रहना है, देश को आगे बढ़ाना है। यही हमारा पैगाम है कि हम आने वाले टाइम में भी अपने बच्चों को भी अब भी यही शिक्षा दें कि हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नाम से हम अपना पैगाम देते हैं। जनपद मेरठ की भैसुमा थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल मामला जनपद मेरठ के थाना भैसुमा क्षेत्र का है, जहां कस्बा रामराज के मंदिर वाली गली से 3 दिन पहले एक मोबाइल की दुकान से स्कूटी चोरी हुई थी, जिसकी सूचना थाना भैसुमा पुलिस को दी गई थी। तभी से थाना भैसुमा पुलिस चोर की तलाश में जुट गई थी। आपको बता दें कि कस्बा रामराज के मंदिर वाली गली से मोबाइल की दुकान से एक स्कूटी चोरी हुई, जिसकी तहरीर स्कूटी मालिक ने थाना भैसुमा जाकर दी थी। इसी प्रकरण में भैसुमा पुलिस ने जैसे ही तहकीकात शुरू की, तभी पता चला कि ग्राम महमूदपुर सिखेड़ा वाले रास्ते पर किसी बदमाश ने 10 साल की बच्ची को उठाकर ईख के खेत में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बच्ची ने शोर मचा दिया, आसपास काम कर रहे लोगों ने भागकर चोर को चारों ओर से घेर लिया और ईख के खेत में तलाश शुरू कर दी। लोगों को आता देखकर आरोपी अपनी स्कूटी व बच्ची को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश की तो स्कूटी जो रामराज से चोरी हुई थी वह मिली। गुस्साए लोगों ने स्कूटी में तोड़फोड़ कर दी। भैसुमा पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आज सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शाहपुर बड़ावली की नहर पर अभियुक्त को पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने लगा। काफी मशक्कत के बाद थाना भैसुमा पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की पहचान शहजाद उर्फ निक्की पुत्र रईसुद्दीन उर्फ पप्पू हाल निवासी भैसुमा के रूप में हुई है। पकड़े जाने पर आरोपी के पास से 1 अदद तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए हलचल इंडिया।